राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा गोपियों से कहती हैं, देखो जितनी पीड़ा तुम्हें, मुझे और कृष्ण को यहाँ छोड़कर जाने में हो रही है, उतना ही दुख मुझे और कृष्ण को भी अनुभव हो रहा है। और कहती हैं राधा गोपियों से, क्यों ना कुछ दिन तुम लोग यहाँ द्वारिका में ही रुक जाओ ना। और तभी गोपियाँ कहती हैं, नहीं राधा, तुम्हें और कृष्ण को यहाँ प्रसन्न देखकर, हम सभी के प्रति तुम दोनों का प्रेम देखकर, हम सभी अति प्रसन्न हैं। अब हमें वृंदावन लौटना ही होगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से, हमारा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ रहा है, सदैव रहेगा। आज विजयदशमी का उत्सव हम सब ने साथ मिलकर मनाया है, इसीलिए आप सबके जाने से पूर्व आप सबको ये स्मरण करवाना चाहता हूँ कि हर एक स्त्री माँ दुर्गा का रूप है, जो सुंदर भी है, निष्पक्ष भी है और समय आने पर कठोर भी है। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, ये सभी गुण मैंने अपनी राधा में भी देखे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाम के आगे राधा का नाम जुड़ गया है। और फिर गोपियाँ कहती हैं, हम सब ने राधा कृष्ण का प्रेम वृंदावन में देखा है, किंतु आज हमें जो तुम्हारे प्रेम का नवीन रंग देखने को मिला वो और भी गहन है। और कहती हैं आगे गोपियाँ, हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगो युगो तक स्मरण किया जाए। और फिर तभी राधा चिंतित हो जाती हैं सुनकर, और श्री कृष्ण देख रहे होते हैं और स्मरण करते हैं। गोपियों ने राधा को पुनः वही बात स्मरण करा दी जिसे लेकर मैं चिंतित हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शंखचूर्ण अत्यंत क्रोध में होता है और तभी देवी कहती है शंखचूर्ण से, मैं आपसे विनती करती हूँ, चलिए यहाँ से। और तभी शंखचूर्ण धक्का दे देता है और कहता अत्यंत क्रोध में, तुम सिखाओगी कि मुझे क्या करना है, देखता हूँ कि अब मुझे कौन रोकता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, राधा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। और फिर राधा कहती हैं, धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए देवी, आप दोनों के आने से हमारे इस उत्सव की शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। और फिर महादेव कहते हैं, अच्छा आराध्य, अब आज्ञा दीजिए। और कहते हैं, परंतु हाँ, यदि किसी भी विषय में मेरी आवश्यकता पड़े तो इस भक्त को सचित करने में विलम्ब मत कीजिएगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए आराध्य, द्वारिका में सब कुछ सकुशल है। और फिर महादेव और देवी पार्वती जा रहे होते हैं और महादेव बताते हैं गौरी को, पता नहीं क्यों किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ सैनिकों से कहते हैं, ज्ञात है कि तुम में से किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है, या द्वारिका में कभी भी कोई भी ऐसे ही आ सकता है क्या, उत्तर चाहिए मुझे। और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं दाऊ, और फिर तभी दाऊ सभी सैनिकों से कहते हैं, जाइए आप सब अभी यहाँ से। और फिर दाऊ कहते हैं, अच्छा हुआ कान्हा कि तुम यहाँ आ गए, मुझे इसी विषय में तुमसे बात करनी थी। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हुआ क्या है, आप इतने क्रोधित क्यों हैं। और फिर दाऊ बताते हैं, कान्हा मैं इन सभी रक्षकों से पूछ चुका हूँ किंतु इनमें से किसी को कुछ ज्ञात नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था जो भरी सभा में राधा और अन्य सभी गोपियों के साथ छेड़छाड़ की, हमारी ही सभा में आकर बस एक बार ज्ञात हो जाए कि वो है कौन, उसके पश्चात ऐसा दंड दूंगा उसे कि जीवन में कभी ऐसा कर्त करने का सोचेगा भी नहीं। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाइए दाऊ। और कहते हैं, यदि किसी की नियति में कोई कर्म लिखा है तो उसे करने से हम रोक नहीं सकते। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, नियति में कहीं उसको मेरे हाथ मरना ना लिखा होगा ना, उसके लिए अच्छा यही होगा कि इसके पश्चात वो ऐसा कोई कृत्य दोबारा ना करे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा स्मरण कर रही होती हैं गोपियों की बात को, हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगो युगो तक स्मरण किया जाए,
गोपियों की ये बात स्मरण करके चिंतित हो रही होती हैं राधा। और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, किन विचारों में खोई हो राधे। और फिर राधा कहती है, कृष्ण जाते जाते गोपियां भी वही कहकर गईं जो मेरे मन में है, कि हमारी प्रेम कथा को सारा संसार युगो युगो तक स्मरण रखे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, चाहता तो मैं भी यही हूँ, किंतु इसे साकार कैसे करें, बस इसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। और फिर राधा कहती है, किंतु मेरे पास है, मैंने सुना है कि महर्षि वेदव्यास एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, इसमें वो तुम्हारे विषय में भी लिख रहे हैं, क्यों न जाकर तुम उनसे अनुरोध करो कि वो हमारी प्रेम कथा के विषय में भी लिखे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहती हो तो मैं उनसे अवश्य बात करूंगा, किंतु क्या ऐसा करना उचित होगा, इसके विषय में थोड़ा तुम्हें सोचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास एक अत्यंत महान ज्ञानी है, और ये ग्रंथ जो वो लिख रहे हैं वो मात्र उनके लिए ग्रंथ नहीं है, ये तो उनके लिए साधना है, वर्षों की तपस्या है, ज्ञान का सार है। ऐसे में वो अपने ग्रंथ में वही लिखेंगे जो उनके ज्ञान और साधना के अनुरूप होगा। अब ऐसे में यदि मैं जाके उनसे अनुरोध करूंगा तो क्या वो उचित होगा राधे। और फिर राधा कहती हैं, बात तो तुम उचित कह रहे हो, मैं ही अपनी भावनाओं में बह गई थी, तुम विश्राम करो, मैं तुमसे मिलती हूँ। और फिर राधा चली जाती है वहां से। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम चाहती हो वही तुम्हारे श्री कृष्ण की भी इच्छा है राधे, बस अब आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ करके तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण कर पाऊँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शंखचूर्ण अत्यंत क्रोध में होता है और मदिरा पान कर रहा होता है, और देखता है नदी के किनारे रेवती को, रेवती पूजा कर रही होती हैं और दिया जला के नदी में छोड़ती हैं और कहती हैं, मेरी बस यही प्रार्थना है कि आज जो हर्ष और उल्लास द्वारिका में देखा गया वो बढ़ता ही जाए। और शंखचूर्ण रेवती की तरफ जा रहा होता है, और तभी रेवती देखती है और कहती है, कौन हो तुम। और तभी शंखचूर्ण कहता है, शीघ्र ही जान जाओगी। और तभी रेवती वहां से जा रही होती है, किंतु शंखचूर्ण अपनी शक्तियों से रेवती को जाने नहीं दे रहा होता है, मार्ग बंद कर देता है और रेवती के समक्ष जाता और कहता है, शंखचूर्ण हूँ मैं, और कहता है, मैं अपना अपमान कभी नहीं भूलता, जाओ और जाकर कह दो समस्त द्वारिका वासियों से कि अब शंखचूर्ण अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा, द्वारिका की उन स्त्रियों को और उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं मैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती रो रही होती हैं और जाती हैं और कहती हैं, आर्य। और तभी बलराम दाऊ रेवती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और पूछते हैं, क्या हो गया रेवती जी, मेरी ओर देखिए, बात सुनिए, क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं। और तभी रेवती बताती है, उसने धमकी दी है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने कहा वो बदला कभी नहीं भूलता, आप कुछ कीजिए, वो कृष्ण को भी नहीं छोड़ेंगे, आप कुछ कीजिए। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कौन। और रेवती जी कहती हैं, समझ नहीं आ रहा, आप कुछ कीजिए। और फिर बलराम दाऊ पूछते हैं, रेवती जी है कौन। और फिर तभी रेवती सब बताती है कि मैं घाट पर गई थी और तभी वहाँ शंखचूर्ण आया, और आगे की सारी बात बताती हैं बलराम दाऊ को। और फिर ये सुनकर बलराम दाऊ कहते हैं, ठीक है, आप शांत हो जाइए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आप सुरक्षित हैं। और फिर अत्यंत क्रोध में बलराम दाऊ कहते हैं, उस शंखचूर्ण का इतना दुस्साहस कि वो मेरी अर्धांगनी को धमकाए, अब तो मैं उसके प्राण लेकर ही मानूंगा मैं। और कहते हैं, सैनिकों रेवती जी को सुरक्षित उनके कक्ष में लेकर जाओ, और तब तक उन्हें एकांत में मत छोड़ना जब तक मैं लौट नहीं आता। और कहते बलराम दाऊ, जाइए रेवती जी, मैं अभी आया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ जा रहे होते हैं, और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाइए दाऊ, कहते हैं आगे शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ कि जो भी शंखचूर्ण ने किया है वो अनुचित है, किंतु उसका वध आप नहीं कर सकते। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, क्यों काना, उसने जो दुस्साहस किया है उसके लिए उसका एक ही दंड है, मृत्यु दंड। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा दाऊ, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।